एक सब्जी व्यापारी के घर चोरों के वालों चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने हद ढीला दी है। दस दिए कि चोर जिथे घर के दाखिल होकर उन्होंने नकदी चुकी और घर का कीमती समान चुकया। उत्थे ही नाल ही कहा जा रहा है कि जो व्यापारी के नवे बूट से उसनों भी पा के चले गए तो अपने पुराने बूट उत्थे छड़ के चले गए। तो दस दिए कि हुण चोर नवे नवे तरीके लभ रहे हैं चोरी करन दे, जिथे उन्होंने वालों पैसों नू निशाना बनाया जाता सी, अक्सर देखा जाता सी, कीमती समान नू निशाना बनाया जाता सी। उत्थे हुण चोरों के निशाने ते घर दे विच दाखल होकर उन्होंने बूट भी चक्के जा रहे हैं। तो दस दिए कि मामला लुधियाणा तो सामने आया, जिथे कि एक सब्जी व्यापारी के घर चोरी की वारदात वापरी है। कहा जा रहा है कि जिथे 60 से 70 हज़ार रुपए नकद चोर चोरी करके फरार हुए ने, उत्थे ही व्यापारी का कहना है कि वह रात को आके जो सोया तो उसने नवे बूट पाए हुए सी। चोर जो घर के दाखिल होए तो उन्होंने अपने पुराने बूट उत्थे छड़ दिते अते उसके नवे बूट पा के फरार हो गए। तो इस दे नाल ही जो घर का कीमती समान सी, चाहे वह महंगी जैकटा हो या फिर पुराने फोन, उसनों भी वह अपने नाल लै गए। तो दस दिए कि लुधियाणा दे विच चोरी की वारदात वापरी है एक सब्जी व्यापारी के घर के, जिथे कि रात के समय चोरों के वालों चोरी की गई है। कहा जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार रुपए नकद चक के वह मौके तो फरार हो गए ने। 5 बजे जब जगह तो सामान पूरा बिखरा हुआ था। कौन सी मंडी, किस चीज का काम करते हैं आप? जी, सब्जी का मेरा काम है जी। ये द्राहे मंडी में लगाया हुआ था जी। मंडी से आया और रोटी खा के 2 बजे सो गया जी। जी, सो के जब 5 बजे नींद खुली तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। मेरे घर में ना कैश थे 60 हज़ार से करीब ज़्यादा ही थे, वो पैसे नहीं थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। पूरा जो कपड़े थे मेरे, जैकेट, शूज, ये सब ले गए उन्होंने। पुराने 2-3 मोबाइलें थे वो भी ले गए। चोर अपने कपड़े छोड़ गया यहाँ पर? जी, एक जूता था वो अपना वाला पुराना वाला छोड़ गया, मेरा एक नए वाले जूते थे वो ले गए। अच्छा, चोर आपके नए जूते पहन के चले गए जी। आपका इस घटना में कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन सर 60-75 हज़ार के करीब में कैश जी। और कोई सामान आपका? जी, वही सामान वगैरह, पुराने मोबाइलें थी 2-3 जी, कपड़े थे, जैकेट, शूज वगैरह। संबंधित थाने को शिकायत? जी, थाने में रिपोर्ट लिखा दी है सर। एक सब्जी व्यापारी के घर चोरों के वालों चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने हद ढीला दी है। दस दिए कि चोर जिथे घर के दाखिल होकर उन्होंने नकदी चुकी और घर का कीमती समान चुकया। उत्थे ही नाल ही कहा जा रहा है कि जो व्यापारी के नवे बूट से उसनों भी पा के चले गए तो अपने पुराने बूट उत्थे छड़ के चले गए। तो दस दिए कि हुण चोर नवे नवे तरीके लभ रहे ने चोरी करन दे, जिथे उन्होंने वालों पैसों नू निशाना बनाया जाता सी, अक्सर देखा जाता सी, कीमती समान नू निशाना बनाया जाता सी। उत्थे ही हुण चोरां दे निशाने ते घर दे विच दाखल होकर उन्होंने बूट भी चक्के जा रहे ने। तो दस दिए कि मामला लुधियाणा तो सामने आया, जिथे कि एक सब्जी व्यापारी के घर चोरी की वारदात वापरी है। कहा जा रहा है कि जिथे 60 से 70 हज़ार रुपए नकद चोर चोरी करके फरार हुए ने, उत्थे ही व्यापारी का कहना है कि वह रात को आके जो सोया तो उसने नवे बूट पाए हुए सी। चोर जो घर के दाखिल होए तो उन्होंने अपने पुराने बूट उत्थे छड़ दिते अते उसके नवे बूट पा के फरार हो गए। तो इस दे नाल ही जो घर का कीमती समान सी, चाहे वह महंगी जैकटा हो या फिर पुराने फोन, उसनों भी वह अपने नाल लै गए। तो दस दिए कि लुधियाणा दे विच चोरी की वारदात वापरी है एक सब्जी व्यापारी के घर के, जिथे कि रात के समय चोरों के वालों चोरी की गई है। कहा जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार रुपए नकद चक के वह मौके तो फरार हो गए ने। 5 बजे जब जगह तो सामान पूरा बिखरा हुआ था। कौन सी मंडी, किस चीज़ का काम करते हैं आप? जी, सब्जी का मेरा काम है जी। ये द्राहे मंडी में लगाया हुआ था जी। मंडी से आया और रोटी खा के 2 बजे सो गया जी। जी, सो के जब 5 बजे नींद खुली तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। मेरे घर में ना कैश थे 60 हज़ार से करीब ज़्यादा ही थे, वो पैसे नहीं थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। पूरा जो कपड़े थे मेरे, जैकेट, शूज, ये सब ले गए उन्होंने। पुराने 2-3 मोबाइलें थे वो भी ले गए। चोर अपने कपड़े छोड़ गया यहाँ पर? जी, एक जूता था वो अपना वाला पुराना वाला छोड़ गया, मेरा एक नए वाले जूते थे वो ले गए। अच्छा, चोर आपके नए जूते पहन के चले गए जी। आपका इस घटना में कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन सर 60
75,000 के करीब में कैश जी। और कोई सामान आपका? जी वही सामान वगैरह, पुराने मोबाइल थी दो तीन जी, कपड़े थे, जैकेट, शूज वगैरह। संबंधित थाने को शिकायत? जी थाने में रिपोर्ट लिखा दिया सर।